हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आईफोन से रिलेटेड पांच ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो कि आप आईफोन अगर एक यूज़र हैं, आईफोन यूज़र हैं, तो आपकी जो रोज़ाना यूजेज को काफ़ी फास्ट बना देंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये है मेरा आईफोन एक्स मॉडल। ये जो मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा, ये हर एक आईफोन में अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ बड़ा आईफोन है या फिर आईफोन एक्स मॉडल में ही अवेलेबल होगी। ये सारे के सारे आईफोन्स में ये चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा आईफोन iOS 13.7 पर रन कर रहा है। ये ऐसा भी नहीं होगा कि ये सिर्फ iOS 13 में ही होगा। ये जो है सारे के सारे आईफोन्स में अवेलेबल होंगी ये चीज़ें, ठीक है जी। सबसे पहला जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो है कैमरा विविड फिल्टर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जो है नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करते होंगे तो काफ़ी सही आती है आईफोन से, जैसे कि नॉर्मल आती है। लेकिन अगर आप आई कैचिंग फ़ोटो चाहते हैं तो आप विविड फिल्टर को अप्लाई करके फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो ये जो है ब्राइट कलर के साथ फ़ोटो क्लिक करेगी, जो कि हमारी आईज़ को देखने में बहुत सही लगती है। और जिससे कि हम बोल देते हैं आईफोन्स की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम इससे ही एडिट करके सही कर लेते हैं अपनी फ़ोटोज़ को। लेकिन गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अपना कैमरा ओपन करें और यही फ़िल्टर आपको हमेशा अप्लाई हुआ लगा मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ़िल्टर हमेशा अप्लाई रहता है। जैसे मैं कैमरा चाहे मैं रिसेंट से क्लियर कर दूं, लेकिन ये फिर भी ये जो फिल्टर है मेरा लगा ही रहेगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और स्क्रॉल अप करें जब तक कि आपको कैमरा नहीं दिख जाता। तो जैसे कि ये रहा कैमरा, इस पर जाएं और सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन दिखेगा प्रिजर्व सेटिंग्स का, इस पर दबाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा मोड है, फिल्टर एंड लाइटनिंग है। आपके फ़ोन में ये जो ऑप्शंस होंगे वो कम होंगे, लाइटनिंग वगैरह नहीं होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर आपको ये ऑन कर देना है, कैमरा मोड चाहे ऑन करें या ना करें, फिल्टर वाला ऑप्शन ऑन कर लें। जैसे कि देख सकते हैं ये थोड़ा सा छोटा आईफोन है, जिससे कि हम बोलते थे आईफोन 6 है, तो इसकी सेटिंग्स में भी इस तरह की सेम सेटिंग्स होंगी। कैमरा सेटिंग्स में जाएं और फिर प्रिजर्व सेटिंग में जाएं, आप देख सकते हैं फ़िल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। और जैसे ही आप कैमरा ओपन करेंगे और इसके बाद में आप जो भी फ़िल्टर हमेशा अप्लाई करेंगे, जैसे मान लें मैं ये ब्लैक वाला फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको क्लियर भी कर दूँ तो ये ब्लैक वाला फ़िल्टर ही लगा रहेगा हमेशा। हमेशा कहने का मतलब जब भी आप कैमरा ओपन करेंगे। अब आप ये वाला फ़िल्टर लगा के बंद कर देंगे तो ये प्रिजर्व कर लेगा, तो यही फिल्टर के साथ ऑन होगा। इससे जो है आप नॉर्मल हमेशा फिल्टर लगाना भूलेंगे नहीं, या फिर दोबारा आपको ये फिल्टर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो आपका जो है हमेशा सेटिंग्स यही रहेगी और आपकी कैमरा की क्लैरिटी ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी, आपको सही भी लगेगा, ठीक है जी। और दूसरा जो फीचर है वो है फ्लैश अलर्ट्स का। अगर गाइज आप देखा होगा कि आप जब कॉल आती है तो आईफोन की जो फ्लैश है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है, चाहे फ़ोन आपका साइलेंट पे हो या फिर ना हो, लेकिन जो वो फीचर है वो काफ़ी हैंडी है, ठीक है जी। जैसे आपको कॉल आ रही है और आपने इन तीनों बटन से उसको साइलेंट कर लिया तो आपकी वो फ्लैश भी बंद हो जाएगी। आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने आपको कॉल आई है, आपने साइलेंट पे लगाया हुआ है और आपको वो फ्लैश भी बंद करनी है, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एक बटन प्रेस कर दें तो वो फ्लैश भी बंद हो जाएगी, वो फ्लैश ब्लिंकिंग होती है, ठीक है जी। तो चलिए, आपको वो जाना कहाँ से है, जस्ट सिंपली सेटिंग्स में या फिर सिंपली सेटिंग्स पर ऊपर सर्च पर सीधा आपको लिखना है फ्लैश अलर्ट्स। जैसे कि आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पर आईफोन 6 में ये सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब वो ये ऑप्शन कहीं और पे होगा और आईफोन जो iOS 13 पर डिवाइसेस हैं उन पर एक्सेसिबिलिटी में होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर ऑडियो विजुअल्स में ही ये सारी सेटिंग्स होंगी, और इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर दें कि आपकी साइलेंट मोड पर भी फ्लैश ऑन रहेगी। इससे क्या होगा, मान लें हमें साउंड नहीं चाहिए साइलेंट मोड में, लेकिन हमारा फ़ोन उल्टा पड़ा होगा तो हमें पता चल जाएगा ब्लिंकिंग से हमें कॉल या नोटिफिकेशन आई है। काफ़ी हैंडी फीचर है। और अगला फीचर क्या है, अनाउंस कॉल। अगर मान लें आपने अपना फ़ोन चार्ज वगैरह लगा के रखा है और आपको बस कॉल सुनती है, रिंगटोन बजती है फ़ोन की और आपको ये पता नहीं चलता कि किसका फ़ोन आया, तो आपको अगर ये पता चलना है बिना फ़ोन उठाए, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और फ़ोन ऐप में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऑलवेज शो हो रहा है, यहाँ पर ऑलवेज़ को ऑन करें। यहाँ पर आपको नेवर सिलेक्टेड होगा, आपको या फिर हेडफोन्स ओनली पर आपकी सेटिंग्स पर कर दें या फिर ऑलवेज़ पर कर दें। मैंने ऑलवेज़ पर कर रखा है, जब भी मुझे कॉल आएगी मुझे जो है इसका नाम बता देगा, ठीक है जी। अगला जो है लेट नाइट। गाइस, आप सभी को काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी कि हमारे जो फ़ोन की आवाज़ है वो थोड़ी सी कम है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं बिना कोई हार्डवेयर चेंजेस किए। बस अपनी सैम्पली आईफोन की सेटिंग्स में जाएं
और फिर आपको म्यूज़िक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन दिखेगी, यहाँ पर म्यूज़िक, इस पर दबाएं। यहाँ पर आपको EQ ऑप्शन दिखेगा, ये रहा EQ, हर आईफोन में अवेलेबल होगा, आईफोन 5 में भी होगा और 4 में भी होगा। यहाँ पर दबाएं, आपका ये जो है ऑफ पर सिलेक्टेड होगा, आपको लेट नाइट कर देना है। जैसे कि आप देख सकती हैं, ये रहा लेट नाइट। इससे गाइस साउंड्स में फ़र्क पड़ता है, 101% फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अब मैं लॉक करूंगा अपनी डिवाइस को तो कुछ इस तरह की साउंड आएगी, लेकिन अब मैं लेट नाइट पर सेट करके लॉक करूंगा, अब ध्यान से सुनेगा, ये जो है आवाज़ बढ़ जाती है, इससे जो है जो इसके जो है टेरेबल जो है वो बढ़ जाता है, जो कि हमें आवाज़ जो ऊंची सुनाई देती है, ठीक है जी। और अगला फीचर है वो काफ़ी सही फीचर होगा कि अगर मान लें आप स्क्रीनशॉट करते हैं, लेकिन गाइस आपने वो फीचर बहुत बार मिस कर दिया होगा, आपने यूज़ ही नहीं किया होगा। हम जो है स्क्रीनशॉट करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को किसी चीज़ को नोटिस करने के लिए। मान लीजिए हमें यहाँ कैमरा के आइकन, ये जो मैं है ये मुझे येलो डॉट दिखाना है कि इसके कैमरा में येलो डॉट है। मान लीजिए मुझे पार्ट फोटो के पार्ट का कोई भी सिलेक्टेड पोर्शन उस पर जूम करवाना है अपने दोस्त को, तो मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में वगैरह में जाते हैं और यहाँ पर राउंडेड सा लगाकर, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू ब्रीफली, मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। मान लें आप व्हाट्सएप में जाते हैं और फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से ये करते हैं कि यहाँ पर नोटिस करें, लेकिन इसकी बजाय आप क्या करें, सिंपली स्क्रीनशॉट करें और इसके बाद में स्क्रीनशॉट पर जाएं और प्लस आइकन दिख रहा है आपको और मैग्नीफायर दिख रहा होगा, आपको जहाँ पर भी मैग्नीफाई कराना है आप मैग्नीफाई करवा लें और आपका ये जो है 100% सक्सेसफुल होगा। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नीफायर है, आप यहाँ से जूम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये जो है मैग्नीफायर आपका जहाँ पर आपने फोकस करवाना है वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा फोकस। और लास्ट जो ट्वीक है वो कौन सी है, और वो है जस्ट फॉर अ वाइल, यहाँ पर है D&D मोड। तो दोस्तों अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको कॉल्स जो हैं, आपको कॉल्स आ जाती हैं, कहने का मतलब आपको फालतू की नोटिफिकेशंस नहीं मिलती हैं, तो वो आप कैसे ऑन कर सकते हैं, आपकी जो है जैसे मान लें मैं अपना आईफोन जो है, जब मैं आईफोन आपको मैं आईफोन साथ लेके ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे चला जाता है। वो कैसे करना है, आपको सिंपली सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब दिख जाएगा साउंड्स के नीचे, और गाइज आपको यहाँ पर एक्टिवेट की ऑप्शन दिखेगी, इसके अंदर आपको सिंपली ऑटोमेटिकली पर सिलेक्ट कर देना है। ये मैनुअली होगा या फिर किसी और सेटिंग पर होगा, आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा, जैसे ये डिटेक्ट कर लेगा आपकी जो है ये डू नॉट डिस्टर्ब लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये हैं 5 ट्रिक्स जो आप अपने आईफोन की डेली यूजेज को और सही कर सकते हैं, अपने आईफोन से पूरा काम ले सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।